नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा को लखवाड़ बांध से मिलेगा 47% पानी, 6 राज्यों के बीच में हुआ समझौता। यमुना पर बहुउद्देशीय लखवाड़ा परियोजना के निर्माण के लिए मंगलवार को दिल्ली में 6 राज्यों के बीच में समझौता हुआ। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस परियोजना से हरियाणा को 47% तक पानी मिलेगा, शेष 53% बाकी अन्य राज्यों में बंटेगा। इस बांध से बनने के बाद में हरियाणा व हरियाणा के किसानों को विशेष लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के निर्माण के लिए हरियाणा ने अपने हिस्से का 123 करोड़ रुपये जमा किए हैं। 42 साल से लंबित इस परियोजना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष रुचि दिखाई और उन्होंने 2 साल पहले लखवाड़ परियोजना स्वयं निरीक्षण कर इस विषय को जल्द से सुलझाने की बात कही थी। आप देख रहे हैं पल पल चंडीगढ़ से ये खास रिपोर्ट। बहुत प्रसन्नता इस बात की कि लखवाड़ डैम जो पिछले 42 साल से पेंडिंग था, और आप लोगों की जानकारी के लिए 2 साल पहले मैं स्वयं लखवाड़ डैम होकर के आया था। उस समय उमा भारती जी हमारे मंत्री थी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी और आश्वासन दिलाया गया था उस समय डिपार्टमेंट की ओर से कि इस विषय को बहुत जल्दी हम सुलझाएंगे। आज खुशी है कि सभी 6 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक MOU हो गया, समझौता हो गया है, और उसके कारण से भी ये परियोजना शुरू होगी। इसका पानी का जो बड़ा हिस्सा है, 47% पानी जो है वो हरियाणा के उपयोग में आएगा, बाकी 53% बाकी 5 प्रांतों में बटेगा। तो ये 47% पानी है जो हमें मिलेगा, तो निश्चित रूप से कई विवाद जो हैं अंतर्राज्यीय जो हैं वो भी निपटेंगे और हरियाणा के लोगों की यानी पानी की जो मांग है वो पूरी होगी। खास करके दक्षिण हरियाणा का लाभ मिलेगा, जहाँ कहीं गर्मियों में पीने के पानी की भी कठिनाई होती थी, उसका समस्या का समाधान भी होगा। पानी को लेकर के बहुत से विषय हैं, कई प्रांतों के आपस में जो विषय हैं उनमें सहमति बनाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, और जैसा बताया 42 साल के बाद एक ऐसे मुद्दे के ऊपर सहमति बनी है, तो मैं आशा करता हूँ कि बाकी मुद्दों पर भी एक एक करके बहुत जल्दी सहमति बने। आज के लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना में 6 राज्यों के बीच में जो आज एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ये हमारे 6 राज्यों के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी कीमत 4,000 करोड़ है, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इस 5 महीने में यमुना में पानी नहीं रहेगा और विशेष रूप से पीने के लिए
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ काफ़ी पानी की दिक्कत है। ऐसे समय हम लोग इसका उपयोग सबसे बड़े प्रमाण पर होगा। यमुना का जो वाटर स्टोरेज है, इस प्रोजेक्ट के कारण 65% बढ़ने वाला है। और इसका पहला फायदा ये होगा कि उत्तराखंड की सरकार इस समय जब बिजली तैयार करेगी और वो पानी यमुना में आएगा, और आया हुआ पानी जो है पीने के लिए विशेष रूप से इन राज्यों में उपलब्ध होगा। ये योजना 1976 में इसको नीति आयोग ने मंजूरी दी थी। बीच में 30% इसका काम भी हुआ था, पर इसमें काफ़ी देरी हुई है और अब भारत सरकार इसको जो 90% इसका खर्चा दे रही है, 10% बाकी राज्य देंगे, उन्होंने भी पैसा दिया है। आज ये 6 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के करीब 5 राज्यों में जहाँ पीने के पानी की समस्या गंभीर है, उनको विशेष रूप से जब यमुना में पानी नहीं रहेगा उस समय यमुना में ये बांध के कारण पानी आएगा और पीने के पानी की समस्या खत्म होगी।